जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 4 जुलाई के तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया था, तो 13 क्वेश्चन हमने कर मैं 12 क्वेश्चन हमने मैथ्स के कर लिए थे। वीडियो को बहुत लंबा करने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा, तो इसी वजह से मैंने 25 क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं करवाए। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या दिया गया है, कहा गया ये मैन, ध्यान दीजिएगा, ये मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 28% देन हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25% देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जूम इन, आप देखिए कहा गया एक आदमी की जो सैलरी है वो कितना बढ़ जाती है। दिया गया है, पहले सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। कहा गया कि 72% खर्चा करता है, यानी कि 100 रुपये अगर कमाता है तो 72 रुपये खर्चा करता है। कहा गया उसकी जो इनकम है वो 28% बढ़ जाती है, यानी 100 थी तो 128 हो गई, और उसका जो एक्सपेंडिचर था यानी कि खर्चा था वो भी 25% बढ़ जाता है। अगर 72 रुपये पहले थे तो 25% बढ़ के अब कितना हो गया, 90 हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज आर डिक्रीज इन हिज सेविंग। एक चीज़ बताइए, अगर कोई व्यक्ति 100 कमाएगा और 72 खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना, 28। ठीक है, अच्छा अब 128 कमा रहा है, 90 खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है, 38। यानी कि उसकी सेविंग कितनी थी पहले, 28, अब कितनी हो गई, 38, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। आप कहेंगे जी परसेंट इंक्रीज बराबर होगा कितना बढ़ा, 10, कितने पे, 28 पे, तो 10/28 गुड़े 100, सीधे ये 25 हो गया, ये 7 हो गया, यानी कि 250/7, तो आपका हो जाएगा 35.7%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये तो सीधे सीधे सॉल्व करना था। देखिए यहाँ पे ऑफ वाला सबसे पहले ध्यान देंगे, तो ये ऑफ वाला यानी कि गुड़ा इसको लगा लीजिए, और ऑफ कहाँ यहाँ पे गुड़ा कर लीजिए, ऑफ जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए करते हैं, 2/3, 2 से ये कट गया 3, ये हो गया 5/9। ठीक है, ये हो गया 2/3 धन 5/9 ब्रेकेट क्लोज्ड माइनस 2/5, 2 से ये कट जाएगा 2 हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, मतलब कि 1/2 बचेगा यहाँ, भागे 5/2 धन गुड़े 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 सब में है, तो सबसे पहले इन दोनों का गुड़ा कर लेंगे, तो हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 3/4 भागे 9/16 गुड़े 4/3। ठीक है, बस आप सबको सॉल्व कर डालिए, जैसे सिंपल सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, पलट दीजिए इसको एक मिनट, ये हो जाएगा 3/4 गुड़े 16/9 गुड़े 4/3 धन 5/2 गुड़े 2 माइनस, यहाँ पे हर बराबर कर लीजिए, तो 3 से ऊपर नीचे गुड़ा यानी 11/9 ये हो गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 16/9 यानी कि आपका आंसर हो गया 16/9 धन 5 ऋण 11/9 यानी कि आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा 16/9 यहाँ पे बच रहा है माइनस 11/9 यानी कि कितना हो गया 5/9 धन 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 9/45 5 50/9, तो आपका आंसर आ गया 50/9। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आपसे कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया 4-3, देखिएगा 4-3x, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बना दी है 4-5y2 की, CGL और CHSL में पूछे गए डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन, इस नाम से हेडिंग होगी। कहा गया ये 88 से विभाज्य, अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य तो 8 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। अच्छा, 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट 3 अंकों को विभाजित होना पड़ेगा 8 से, यानी कि हम अगर बात करें 500 समथिंग है वो 8 से विभाज्य है, हम कहेंगे जी 512 हमारा विभाज्य होता है, यानी वाई बराबर तो आपका आ गया 1, वाई बराबर 1 आ गया। अब 11 से विभाज्यता का नियम आपको याद रखना है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अल्टरनेट डिजिट का जो सम है, निकालिए 4+x+1 मतलब 5, 5 10 2 12+x 1 का हो गया, और जो बच रहे हैं उनका सम कितना है 3, 1, 4, 4, 8 और प्लस वाई, 8+y, ये या तो 0 हो और या तो 11 के टेबल को हम मान लेते हैं ये 0 है। ठीक है, हमें वाई की वैल्यू पता है यानी कि ये 1 है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12+x = 9। ठीक है, 12+x = 9 या x बराबर आ जाएगा -3, यानी कि 0 यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे 11 लेके देखते हैं, ले लीजिए 11, ये हो गया 11, यहाँ पे 8+1 यानी कि 12+x = 11 और +9
20, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 8, x बराबर आ गया 8, x बराबर 8 आ गया, y बराबर 1, अब 3x माइनस 2i यानी कि 3 × 8 माइनस 2i यानी कि माइनस 2, मतलब 24 माइनस 2 यानी कि 22 आपका करेक्ट आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। कहा गया एक कोई रुपया है, 4360 रुपए हैं जो ए बी सी डी के बीच 3:4:5:8 में डिवाइड करने हैं। कहा गया ये गलती से इस अनुपात में डिवाइड हो गया तो डी को कितना रुपया मिला। अब सबसे पहले देखिए, इस अनुपात में अगर डिवाइड हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 3:4:5:8 अनुपात में, तो देखिए किसका हिस्सा पूछा गया है, देखिए ए का, सबका हिस्सा निकाल लीजिए, 3, 4, 7, 5, 12, 8, 20, 20 बराबर इतना है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 218, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 654, एक का हो जाएगा 872, एक का हो जाएगा 1090 और एक का हो जाएगा 1708, ठीक है, 1708 नहीं 1744, ठीक है। अब देखिए, अगर 1:3:1:4:5 में डिवाइड करेंगे इस अनुपात में, तो 3, 4, 5, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 120, देखिए 120 बनाने के लिए तो ये 40 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब किसका हिस्सा, सबसे पहले देखिए ए का हिस्सा कितना, 40, 30, 70, 70, 5, 75, 10, 85, 4, 89, 2, इसको आपको करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 40, 30, 70 हो गया, 20, 90, 4, 94, 5, 99, 10, 109, 109 बराबर 436, एक बराबर आ जाएगा 40, यानी कि ए का हिस्सा हो जाएगा 1600, बी का हिस्सा हो जाएगा 1200, सी का हिस्सा हो जाएगा 960 और इसका 600। अब आपको पता चल गई सबकी वैल्यू, ये 600 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया 600, ठीक है। अब देखिए किसके हिस्से में कितना परिवर्तन आया, इसको ए को कितने ज़्यादा मिले, आप कहेंगे जी 900 समथिंग रुपया, ए को कितना मिला 946 रुपया ज़्यादा मिला, बी को मिला 328 रुपया ज़्यादा, इसको मिला कितना रुपया कम, 130 रुपया कम, और इन भाई साहब को कितना मिला, 1144 रुपया कम, 1144 रुपया कम, 1144, क्योंकि 1744 मिलता, 600 रुपये मिला, यानी कि 1144 रुपये कम मिला। तो यही पूछा गया था कि किसको किसके में कितना परिवर्तन आया, आप कहेंगे जी डी को 1144 रुपये कम मिले, आपका करेक्ट आंसर हो। आते हैं अगले पे, कहा गया 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, कहा गया लॉस परसेंटेज क्या है। देखिएगा 72 वस्तुओं को बेचा गया, हम मान लेते हैं x रुपये में बेचा गया एक वस्तु को, या हम मान लेते हैं 10 रुपये में बेचा गया, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 720, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हम मान ले रहे हैं 10 रुपये, तो 72 का 720। अब कहा गया 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान हुआ, यानी कि हमारा लॉस कितना हुआ 80 रुपये का, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 720, लॉस है 80 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 720 में बेचा गया 80 रुपये हानि हुआ, यानी कि आपका क्रय मूल्य हो जाएगा एस पी प्लस लॉस, यानी कि 800 रुपये। अब 800 पे अगर 80 रुपये की हानि हो रही है तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10%, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 10%। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा ट्रिगो का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं लेकिन फिर से करवा रहा हूँ, ट्रिगो की मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। देखिए 2 × cos²θ 1 − sin²θ, या ऐसे सॉल्व कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस में ही तो सब सारे दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से cos θ = 1/2, या आप ऐसे ना करके डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2 cos²θ, 2 × 4, 4 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पे 5 आए, मतलब −4 cos θ −cos θ +2 = 0, यहाँ से 2 cos θ का मान ले लीजिए, तो 2 cos θ का मान लेंगे तो ये बचेगा cos θ −2, और यहाँ पे −1 कामन ले लेंगे cos θ −2 = 0, यानी कि cos θ −2 अगर कामन ले ले तो हमारा बचेगा क्या 2 cos θ −1। अब अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है तो उसमें से अलग अलग संख्याएं 0 के बराबर होती हैं, यहाँ से हमारी cos θ की दो वैल्यू आएगी, cos θ = 2 और cos θ = 1/2। अब cos θ = 2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि cos θ की ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होती है, और cos θ = 1/2 अगर हो गया, थीटा बराबर 60 पुट कर दीजिए, तो cosec θ बराबर 60 पुट करिए, cosec θ कितना हो गया 2/√3 +
tan 61/√3, यानी कि 3/√3, यानी कि वैल्यू आपकी आ गई रूट थ्री। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सी द क्वेश्चन इज इफ़ 8x² + y² - 12x - 4xy = 9, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 14x - 5। सी देखिए, ऐसे सिंगल इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं सॉल्व हो सकते, लेकिन कैसे सॉल्व किया जा सकता है वही सीखना है आपको। देखिए यहाँ पे 8x² को हम क्या लिख सकते हैं, 4x² + 4x² लिखिए, हो गया 4x² + 4x² + y² - 12x - 4xy + 9 = 0। ठीक है, x वाले को एक पास ले, इसको इसको और 9 को एक पास ले आइए। देखिए 4x² - 12x + 9 आपका बन जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये जो टर्म बच रहा है 4x² y² और 4xy, ये बन जाएगा आपका 2x - y का होल स्क्वायर। और अगर आपको पता है कि दो संख्याओं के वर्गों का सम, यानी कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू जीरो, देन देयर पर्टिकुलर या इंडिविजुअल स्क्वायर विल बी जीरो, यानी कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। ठीक है, अब अगर 2x - 3 = 0 हो गया, तो यहाँ से x = आपका आ जाएगा 3/2, एंड व्हेन 2x - y = 0, देन यू विल गेट 2x = y। सो यू कैन से यहाँ से अगर x = 3/2 है तो y = कितना हो जाएगा 3। यहाँ से इस इक्वेशन से अब आपके पास x की वैल्यू आ गई y की, तो आपको निकालना 14x - 5y। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 14x - 5y। व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x, वी विल गेट 14x, इट मींस 21, माइनस 5y, इट मींस 15, दैट विल गिव यू 6। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है, ग्राफ दिया गया है। अब आपसे कहा गया है कि विच टाइप ऑफ व्हीकल शोड 32% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इन 2015 एज़ कम्पेयर टू दैट इन प्रीवियस ईयर। मतलब किस व्हीकल के एक्सपोर्ट में 32% इंक्रीज हुआ है 2015 में 2014 की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे देखें तो 7 का इंक्रीज हो रहा है, 7 50 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 14%। यहाँ पे 10% का इंक्रीज हुआ है, 10 45 का, आप कहेंगे जी 10 45 का तो 25% भी नहीं हो रहा है, यानी कि 43 30 यहाँ पे तो घट रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 27 में 8 की वृद्धि हुई है, यानी कि 8/27 × 100, यानी कि आप देखिए 27 81, ये 3 बार भी पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि ये 30% नहीं होगा, यानी कि आपका करेक्ट बचा बी, तो बी ही हो जाएगा कि जिसमें लास्ट ईयर के एक्सपोर्ट की अपेक्षा इस ईयर 32% की इंक्रीज हुई है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया गया है द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हम पहले ट्राइंगल ए बी सी ड्रा कर लेंगे, ए को ऊपर बनाएं जिससे नीचे फिगर बनाने में आसानी हो। हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, कहा गया ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया गया, बढ़ा दीजिए कुछ इस तरह से। फिर कहा गया इनके एंगल बाइसेक्टर जो हैं बी और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये कहाँ पे मिलते हैं, ई पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, ये डी और ई है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं। और आपको अगर ये एंगल 72 डिग्री दिया गया, तो आपसे पूछा गया एंगल सी पी बी कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर किसी के पी पे इंटरसेक्ट करे, तो जो आपका एंगल सी पी बी बनेगा, या हम एंगल पी कह सकते हैं, सी पी बी इज इक्वल टू होगा 90 - एंगल A/2। एंगल ए की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 90 - 32/2, यानी कि 36, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर इंटरनल बाइसेक्टर मिले तो 90 + A/2 होगा, और अगर एक्सटर्नल मिले तो 90 - A/2, यानी कि हम कह सकते हैं, देखिएगा अगर इंटरनल मिल रहे हैं तो 90 + A/2 और बाहरी मिल रहे हैं 90 - A/2, यानी कि अगर हम सम करें तो इनका सम 180 आ जाएगा, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। ठीक है, अगर इसको खींचा जाए तो एक वृत्त यहाँ से पास होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 4th। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है अलजेब्रा का, दिया गया है x + y + z = 19, xyz = 216, xy प्लस इतना, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा
आप क्या काम करिए, आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें प्लस टू एक्स वाई जेड प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स टू कामन ले रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 361 हो गया। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, प्लस जेड स्क्वायर भी होगा। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 361 माइनस टू टाइम्स ऑफ इतना यानी कि 228, यानी कि आपका बचा कितना 133, आपकी वैल्यू आ गई 133। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, आराम से निकाल लेंगे। हमने निकाला एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133, ठीक है। अब देखिए, अब आसानी से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz प्लस ए प्लस बी प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रेकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सबकी आपको पता है वैल्यू, आप पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपको प्लस एक्स वाई जेड निकालना है, यानी प्लस एक्स वाई जेड इधर करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, यानी कि इधर 4 हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए 4 × xyz, एक्स वाई जेड की वैल्यू 216 प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 19 × x² + y² + z² 133 माइनस 114, यानी कि आपका आ जाएगा, ये आपका कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ये कितना हो गया 864 प्लस 19 × 19 361, 864 प्लस 361 ये आपका हो जाएगा 1225, और इसका वर्गमूल आपको निकालना है तो आपका हो जाएगा 35। आते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा आपको दिया गया 10 13 10 37 10 45 10 53 10 77। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू होता है 1 इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, डन है, ठीक है। अब ये और ये 90 बन रहा है, ये और ये 90 बन रहा है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो हो गया 1/2 कॉसिक स्क्वायर 60, यानी कि कॉसिक 60 की वैल्यू 2/√3 उसका स्क्वायर 4/3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 यानी कि 1/4 माइनस 3 cos 60 यानी कि 3/2 प्लस 2, बस इसी को सॉल्व कर लेना है आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इजीली तो हो गया 8/3, ये आपका हो गया 1/8/3 ब्रैकेट में ये 2 + 1/4 यानी कि 9/4 माइनस 6/4 3/4 हो गया, ये 3 से 3 कट गया, इससे 2 कट गया तो आपका आंसर आ गया 1/2, आपका करेक्ट आंसर हो गया 1/2। आते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, कहा गया ABC में D एक पॉइंट AB पे इस प्रकार है, ड्रा कर लेते हैं ABC। देखिए क्वेश्चन का ज्योमेट्री में केवल और केवल इतना योगदान होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, फिगर आप अच्छे से फॉर्म कर ले गए, अच्छे मतलब खूब सुंदर सा नहीं, लेकिन अगर आप समझ गए क्वेश्चन डी किस पॉइंट पे, डी इज़ ए पॉइंट ऑन AB, डी यहाँ पे कुछ इस प्रकार है कि आपको दिया गया है कि BD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ई इज ऑन पॉइंट BC, ई यहाँ पे कुछ इस प्रकार है कि DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल दिया गया है AC के, ड्रा कर दीजिए, ये जो DE है ये पैरेलल है AC के, AC बराबर 4 दिया गया है, तो आपसे कहा गया है एरिया BD यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया ये, और ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है ACED इसके एरिया का अनुपात निकालना, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे ये कोण बराबर इसके हो जाएगा, ये कोण बराबर इसके हो जाएगा, ये कोण कॉमन है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से ट्रायंगल BDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल BAC। अब आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में कि BD अपान BA समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी होती है कि भुज संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो BD अपान BA को हम लिख सकते हैं संगत भुजाएं DE अपान AC। पुट कर दीजिए यहाँ से हमारी DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे जी DE बराबर हो जाएगा, या आप ये ना करिए, आपको ये तो पता ही चल गया लेकिन फिर भी लिख लीजिए, तो ये DE हम यहाँ से एक चीज़ और निकालना सीख ले रहे हैं, DE बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा BD कितना है 2/5 गुड़े
एसी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 8/5 DE आ गया, 8/5 DE आ गया। अब अगर DE निकालना होता है, लेकिन आपको यहाँ निकालना क्या है, ध्यान देना है, यहाँ पे आपको निकालना है एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो। आप देखिए, मैंने आपको बताया है, अगर आपने शुरू से मेरी क्लास की होगी, कि जो इनकी एरिया का रेशियो होता है वो इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर हम कहें ट्रायंगल BDE की एरिया, BDAE की एरिया अपॉन ट्रायंगल ABC की एरिया, तो ये बराबर हो जाएगा, एरिया है दोनों की, तो इसकी संगत भुजा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे इसकी पूरी भुजा यानी 25, 4/25। अब इसका मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, कि छोटे वाले ट्रायंगल की जो एरिया आई, यानी इस ट्रायंगल की एरिया आई, ये 4 आई, और पूरे की 25, पूरे की कितनी आई 25, अगर इतने की 4 है पूरे की 25 है तो ये हो गया 21। आपसे अनुपात पूछा गया था ट्रायंगल BDE और इसके इसका अनुपात, तो आप कहेंगे जी 4:21 हो जाएगा। आपको जो निकालने को कहा गया था वो आ गया 4:21। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ हम ख़त्म करेंगे ये टॉपिक अपना, मतलब इस 4 जुलाई वाला पेपर। अब किसे हम पूरा पेपर करेंगे। कहा गया एवरेज नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ व्हीकल ABT एक्सपोर्टेड इन 2015 यानी कि नेवी ब्लू वाला, जोड़िए 35, 33, 68 और 55 123। कहा गया वाज एक्स परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ई व्हीकल एक्सपोर्टेड इन 2015। ई कहाँ है, 2015 कहाँ है, ये वाला, यानी कि 57 से द एवरेज नंबर ऑफ, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 41। कहा गया 41 एक्स परसेंट लेस है 57 से, तो एक्स की वैल्यू निकाली, 41 कितना कम है 57 से, कितना कम है 16 कम है किससे, 57 से, तो कितना प्रतिशत कम है, 16 बटे 57 गुड़े 100। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 ये 14 दशमलव, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 4 से फिर काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3.56, कुछ इस प्रकार हो जाएगा 3.56। या एम आई करेक्ट, या आई एम करेक्ट। अब देखिए 3.56, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए, इसको हटा दीजिए, तो 356 2 समथिंग जाएगा, तो ये 712 आ जाएगा, और आपका बचेगा कितना 288 2880 हो जाएगा, और 8 बार लगभग जाएगा, यानी कि 28 या 27% आएगा। आप देख लीजिए हमने कहाँ गलत कर दिया, पूछा गया था ये हम सही जोड़ें ABD, देख लीजिएगा 35, 33 और 55, तो 5 3 8 5 13 और 5 1 6 3 9 3 12 123 का औसत यानी कि 41 हो गया। और ई कहाँ पे है, ई व्हीकल 2014, अच्छा सॉरी 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है 9, हम यहाँ पे 2015 देख रहे थे, 2015 के लिए 28 हो जाता है, 2014 में कहा गया 50 से 41 कितना कम है 9, तो कितना प्रतिशत कम है, आप कहेंगे 50 का जितना कम होता है उसका 2 गुना यानी 18%, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये आपके CHSL का जो पेपर है, ये आपके CGL मेंस और SSC MTS के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, और RRB ALP का अगर आप NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ग्रुप डी, तब भी आप देख के जाएं, क्योंकि पेपर पैटर्न TCSE करवाएगी, वो भी TCSE पेपर। देखिए पेपर पैटर्न जो भी हो, क्वेश्चन रिपीट होने होते हैं सारी परीक्षाओं के इधर उधर, तो पेपर पैटर्न जानिए, इस ईयर का ट्रेंड जानिए, फिर आप इजीली कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।